श्री रामचरित्र मानस को फाड़ दिया गया। कुछ नया नहीं था, ग्रंथों को नष्ट करना जालिमों और बेवकूफों दोनों के लिए जरूरी हो जाता है। सन 1199 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को कैसे फूका था, इसके जाहिलियत भरी दास्तान आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। एक ढूंढेंगे 100 मिलेंगी, जहां लोग तीर तलवार तो बारूद से नहीं बल्कि किताबों से घबरा गए। और इस बार निशाने पर हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दलितों और महिलाओं का घोर अपमान किया बाबा तुलसी ने, और अपमान हुआ यह समझने में हमें 400 साल लग गए। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। धक्का दिया 400 साल पहले, लेकिन गिरे अब। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी में अटूट श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन वो तो पूरा देश रखता है। 50-100 को छोड़ दीजिए, तो कौन है जो बाबा का भक्त नहीं। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं गोस्वामी जी को एक श्रद्धालु की तरह नहीं बल्कि एक राइटर की तरह अप्रोच करूंगा, और आपको बताऊंगा कि क्या गोस्वामी जी ने यह चौपाई लिखकर गलत कर दिया। अब अगर गोस्वामी जी मौजूद होते तो मुझे जरूरत ही नहीं होती, वो सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हर जगह अपनी सफाई खुद पेश कर देते और बात साफ हो जाती। लेकिन गोस्वामी जी सशरीर है नहीं, इसलिए मुझे ही बोलना पड़ेगा। सिर्फ कुछ मिनट आप मुझे गौर से सुनिएगा, फिर ढोल गवार का पूरा सच आपके सामने आ जाएगा। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। कुछ वक्त पहले मैंने तहलका फिल्म देखी थी, जिसमें अमरीश पुरी साहब ऐसा डायलॉग बोलते नजर आ रहे थे। तो क्या फिल्म के राइटर्स कहना चाह रहे थे कि डोंग सचमुच ऊपर वाले से बड़ा है? नहीं भाई, ये तो विलन ने बोला था, और विलन वही बात करेगा जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका चरित्र है, यानी गलत बात करेगा। इसे फिल्म के राइटर का विचार नहीं माना जा सकता। पॉइंट यही है, जब फिल्म के डायलॉग उसके कैरेक्टर के विचार है, राइटर के नहीं, तो फिर श्री राम चरित्र मानस में खलनायक समुद्र के विचार बाबा तुलसी के विचार कैसे हो गए? श्री रामचरितमानस एक प्रबंध महाकाव्य है, जैसे उपन्यास और फिल्में होती। प्रबंध साहित्य वो है जिसकी कहानी में एक स्टार्ट हो, मिडिल हो, एंड हो। उसमें जो कैरेक्टर जैसा है वैसे ही उसके डायलॉग भी होंगे, यानी हीरो सही काम करेगा और विलेन गलत। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इस चौपाई या इस डायलॉग को संदर्भ और प्रसंग के साथ समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो सीन कुछ यूं था कि पहले भगवान राम 3 दिनों तक समुद्र से विनती करते रहे, मुझे लंका जाने का रास्ता दे दो, मेरी पत्नी के प्राण संकट में हैं। समुद्र ऐसा अहंकारी, मार्ग तो छोड़िए उत्तर तक नहीं दिया। फिर भगवान श्री राम को क्रोध आया, उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और कह दिया, मैं अहंकारी की छाती में अग्नि बाढ़ गाड़ने के लिए विवश हूँ, भय बिन होए न प्रीत, बात तो सच है। समुद्र का अहंकार टूट गया, वो मणि रत्नों सहित त्राही त्राही करता हुआ भगवान राम की शरण में आ गिरा। अब समुद्र जो कहता है उसे ध्यान से सुनिए, सारा भेद सारी रहस्य यही छिपी है। सभय सिंधु गहिपद प्रभु केरे, छमहु नाथ सब अवगुन मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी, प्रभु भल कीन मोहि सिख दिन्नी, मर जाद पुनी तुम्हारी किन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, समझाता हूँ क्या कहा समुद्र ने। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आकाश धरती और वायु की तरह जल भी जड़ है, मैं भी जड़ हूँ, मुझमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। प्रभु आपने मुझे अपनी बनाई हुई मर्यादा की शिक्षा दी, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इसलिए अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है। समुद्र इसके आगे प्रतीकों में बात करता है, मेटाफर्स में बोलता है, वो कहता है ढोल यानी एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बिना सीखे नहीं बजाना चाहिए, वरना संगीत की जगह शोर निकलेगा। गवार जैसे अशिक्षित ग्रामीण, अब गवार कोई गाली नहीं है जैसा कि आज हम मानते हैं। जो गांव में रहे गवार, यह सिर्फ ग्रामीण का अवधि रूप है। शूद्र यानी कर्म के आधार पर विभाजित समाज में चौथे तबके, फोर्थ क्लास, चतुर्थ वर्ण के लोग,
इनका आज के शेड्यूल कास्ट से कोई कनेक्शन नहीं, यह बाबा साहब अंबेडकर भी मानते थे। तो शूद्र एससी एसटी या ओबीसी को नहीं कहा गया है, यह बात ध्यान में रखिएगा। आगे समुद्र कहते हैं, पशु यानी मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु और नारी, जिसे मेडिवल पीरियड में शिक्षा से दूर रखा गया था। आपने जो शिक्षा मुझे दी है उस पर इन सब का अधिकार है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी इन सब को यह शिक्षा मिलनी चाहिए जो आपने मुझे दिया। समुद्र की ऐसी विनती पर भगवान राम समुद्र को क्षमा कर देते हैं और फिर समुद्र के ही परामर्श से नल और नील ने समुद्र पर संसार का सबसे प्राचीन सेतु बना देते हैं, जिसके पत्थर इतिहास के अथाह सागर पर आज भी तैर रहे हैं। अब आप ही बताएं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह भगवान राम की सोच है या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की? दोनों के नहीं, यह विचार 100% समुद्र के है और किसी भी एंगल से गलत नहीं। जरूरत है सिर्फ खुले और साफ मन से एनालाइज करने की, सोचने की, समझने की। गोस्वामी जी अगर दलित विरोधी होते तो क्या निषाद राज, केवट और शबरी को रामायण के सह नायकों की भूमिका देते? अनगिनत चौपाइयों में उनकी प्रशंसा करते और यदि नारी विरोधी होते तो? नारी कहा मैंने, ध्यान दीजिएगा, औरत नहीं। और आशा करता हूँ कि अब तक आप भी अपने आसपास की सम्मानित महिलाओं को औरत कहना छोड़ दिए होंगे। जो मेरा मतलब नहीं समझ पा रहे हैं वो मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। तो बाबा तुलसी अगर नारी विरोधी होते तो क्या देवी अहिल्या, जिनका सील भंग किया गया था, उनको इतना सम्मान देते जितना कि दिया? रामचरितमानस या किसी भी ग्रंथ को जलाकर आप बख्तियार खिलजी की टीम में शामिल होना चाहते तो आपकी मर्जी। वरना सच तो ये है कि कुछ पन्ने जलाकर न तो राम की महिमा जलाई जा सकती, न ही तुलसी का तेज। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।